देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सिद्धार्थनगर जनपद में सड़क दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक साथ 3 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। बासी बस्ती मार्ग के करही मस्जिदिया के पास खड़ी ट्रक से सवारी गाड़ी टकरा जाने के कारण 3 की घटना स्थल पर जहाँ मौत हो गई, वहीं 6 गंभीर रूप से घायल जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। सूचना पर तुरंत घटनास्थल पर जिले के आला अधिकारी और कोतवाली प्रभारी छत्रपाल सिंह पहुंचकर घायलों का इलाज स्थानीय चिकित्सालय तिलोली और PSC वासी, जिसमें 4 की हालत नाजुक देखकर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। 2 लोग सिद्धार्थनगर और 2 लोग बस्ती में इलाज हेतु भेजा गया। घटनास्थल का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जायजा लिया। इसे सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। और एक आए थे, उनको थोड़ा घायल थे, उनकी स्थिति खतरे के बाहर थी, उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दिया गया है। बाकी 3 जो मृतक थे उनको पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए ले गई। जैसे राज साहब, रजिस्टर में कुछ ऐसा मेंटेन हुआ है लोग कहाँ रहने वाले हैं? नहीं, जो मृतक थे उनके जेब से तलाशी ले गई, कुछ आधार कार्ड इत्यादि बरामद हुए हैं, वो पुलिस अपने अभिलेख के रूप में ले गई। जी, कुछ लोग का एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे करने के पास में, जिसमें कि 3 लोग एक्सपायर हो गए हैं और 6 घायल आए थे, जिनका प्राथमिक उपचार करके उनको नौकर के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या क्या नाम था, कहाँ के निवासी हैं? जी, एक बलराम उपाध्याय हैं, एक देवदत्त त्रिपाठी, एक घनश्याम, एक राजकुमार सूरज और एक अज्ञात व्यक्ति है जिसका पता नहीं लग पा रहा है अभी। तो उसमें पुलिस प्रशासन ने काफ़ी सहयोग किया, वो लेके गए साथ में। घायलों की क्या स्थिति? घायल में से एक, सभी लगभग सभी को हेड इंजरी हैं, लेकिन सब खतरे के बाहर हैं फिलहाल अभी। क्या नाम है, किस पद पे हैं? हम डॉक्टर प्रियांशु पांडे हैं, MO हैं। 21 को शाम लगभग 7:45 पे बस्ती सिद्धार्थनगर रोड पर थाना बासी अंतर्गत करही मस्जिदिया के पास खड़ी ट्रक UP 51 AT 6418 जो मरम्मत हो रहा, दोपहर से ख़राब थी, उसकी मरम्मत की जा रही थी, उसका एक्सल वगैरह ख़राब था, उसमें बस्ती की तरफ से आ रही मैक्स गाड़ी UP 51T 4300 जिसमें 9 सवारी थी, चालक सहित, ने पीछे से ज़ोरदार टक्कर मारी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और 3 लोग व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 6 लोगों को 2 बस्ती के लिए रेफर किया गया, 2 नवगढ़ में हॉस्पिटल भेजा गया और 2 स्थानीय इलाज कराया जा रहा है, जो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। 3 मृतकों में 2 की पहचान हो चुकी है, 1 मृतक की पहचान की प्रयास किया जा रहा है। सभी को सूचित दे दिया गया, सभी परिजनों को, और मौके पर कानूनी व्यवस्था की सामान्य।